पोटेंशियल वेरिएबल होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी, दी एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी, दी एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी, बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजिशन, बोले तो हाइट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ एंड इट्स कॉन्फिगुरेशन, एंड इट्स कॉन्फिगुरेशन बोले तो चेंज इन साइज, चेंज। कह रहा है ये एनर्जी जो होती है वो बॉडी के अंदर किस वजह से आती है, उसकी पोजीशन कहां से, सरफेस ऑफ अर्थ से, और उसकी कॉन्फिगरेशन चेंज इन शेप की वजह से इसके। ठीक है, कोई बॉडी जमीन पर पड़ी हुई है पोजीशन की वजह से, देखिए पोजीशन की वजह से, ठीक है, कोई बॉडी जमीन पर पड़ी है, अगर ये मैं भी जमीन पर खड़ा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि तो हम दोनों का लेवल क्या सेम है, ठीक है। लेकिन अगर इस बॉडी को उठा करके यहां पर रख दिया जाए तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, पी ई वन, क्या थी पी वन, इस केस में क्या है पी ई टू, और क्या पी ई थ्री, तो इस केस में देखिए यहां पर क्या होगा, पी ई वन बराबर में पी ई टू, यानी इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम रहेगी बॉडी और मेरी पोटेंशियल एनर्जी, बट पी ई थ्री इज ग्रेटर देन पी ई वन, यानी ये वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस कंडीशन में, इस वाली बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इससे ज्यादा होगी, ये होता है पोजीशन की वजह से। और कॉन्फिगुरेशन की वजह से देखी जाए, कॉन्फिगुरेशन एक धनुष है जो कि इस शेप का है, ठीक है, और आपने इसको क्या किया, एरो ऐसे लगा हुआ, आपने इसको बहुत ज्यादा बैंड कर दिया ऐसे करके, ठीक, तो इसकी शेप साइज क्या हुआ, चेंज हो गया, क्या हो गया, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है पीई वन, और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या है पीई टू, तो पीई टू क्या होगा पीई वन से ज्यादा होगा, जब शेप चेंज होती है उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू कॉन्फिगरेशन कहते हैं, और जब पोजीशन चेंज होती है यानी हाइट चेंज होती है तो उसकी वजह से हम जो पोटेंशियल आती है उसे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन कहते हैं, ठीक है भैया, समझ गए, एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ठीक है भैया, पोजीशन की वजह से ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजिशन, ठीक है। पहला, एक पत्थर कहाँ रखा हुआ है, हाइट पर रखा हुआ है जमीन से, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है, ड्यू टू पोजिशन, ठीक है। सेकंड, डैम है, डैम, ठीक है, डैम पानी से भरा पड़ा है, ये सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ, तो पानी की हाइट क्या इतनी है, ठीक है, तो वाटर पोजेस, वाटर पोजेस पोजेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ठीक है भैया, समझ गए। अब आ रहा है कॉन्फिग्रेशन, एग्जाम्पल ऑफ कॉन्फिग्रेशन, कॉन्फिगुरेशन, ठीक है। अब देखिए, पहला है, एक बहुत ही मतलब धनुष थी, इस शेप में थी, आपने कम खींचा था, ठीक है, और इसको क्या किया भैया, ज्यादा खींच दिया आपने, तो क्या होगी इसके अंदर, क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन कॉन्फिगुरेशन, चेंज इन इन कॉन्फिगुरेशन, ठीक है। एक तीसरा, दूसरा इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, एक स्प्रिंग थी जो कुछ इस शेप की थी, अनवाउंड स्प्रिंग, अनवाउंड स्प्रिंग, ठीक है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हम क्या लेके चल रहे हैं, जीरो, लेकिन हमने क्या किया, इसको मोड़ दिया किसी भी तरीके से, ये
क्या भी है वाउंड स्प्रिंग, क्या है ये वाउंड स्प्रिंग, इसके अंदर क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चेंज इन कॉन्फिगुरेशन, ठीक है समझ गए। अब आगे आते भैया, बात करते हैं टाइप ऑफ पोटेंशियल की। टाइप ऑफ पोटेंशियल की, ठीक है। पहला भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अराइज ड्यू टू वर्क अगेंस्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी। कह रहे भैया अगर आप किसी भी बॉडी के अंदर ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करते हो, किसी बॉडी के ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करते हो तो उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसे हम क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए एग्जाम्पल, इसके आप एक बॉडी को ग्रेविटी क्या कर रही है नीचे खींच रही है, आप इस बॉडी को क्या कर रहे हो ऊपर की तरफ उठा रहे हो, लिफ्ट कर रहे हो, ठीक है फोर्स लगा करके, ठीक है। तो इसके अंदर आप वर्क कर रहे हो इसके ऊपर, तो जो वर्क होगा वो किसके बराबर होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है समझ गए। डैम में हाइट, डैम में पानी स्टोर जाता है, ये डैम है, इसमें पानी क्या हुआ स्टोर हो गया एच हाइट, तो पानी किसके अगेंस्ट में ऊपर चढ़ा वाटर राइज, वाटर राइज कर रहा है इसके अंदर किसके अगेंस्ट में ग्रेविटी के अगेंस्ट में, ठीक है। तो वाटर ग्रेविटी के अगेंस्ट में राइज कर रहा है इसलिए इसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्यों क्योंकि वर्क अगेंस्ट दी, बिकॉज बिकॉज वाटर राइज अगेंस्ट दी ग्रेविटी, ठीक है। जहां पर ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क होता है, ठीक है भैया, तो उस हर केस में क्या होता है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आती है। दूसरा है भैया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, क्या है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी बाय बाय वर्क डन बाय द एनर्जी पोजेस बाय द बॉडी पोजेस बाय द बॉडी अगेंस्ट द वर्क डन अगेंस्ट द वर्क डन अगेंस्ट अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स, इलास्टिक फोर्स क्या होता है पता है आपको, जो बॉडी को रिस्टोर कर दे, बॉडी को रिस्टोर कर दे वैसे ही कर दे, फोर्स फोर्स विच विच रिस्टोर दी बॉडी, रिस्टोर दी बॉडी, बॉडी को रिस्टोर कर दे वैसे ही कर दे जैसे पहले थी, तो उसे इलास्टिक फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल आपने एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचा, बाहर की तरफ ये वर्क किया, वर्क अगेंस्ट दी स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है इलास्टिक फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स, इसे क्या कहते हैं स्प्रिंग फोर्स को इलास्टिक इलास्टिक फोर्स। इसके अगेंस्ट में आप बाहर की तरफ खींच रहे हो, स्प्रिंग फोर्स कहां लग रहा है अंदर लग रहा है, इसके अंदर जो वर्क करोगे वो क्या होगा इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म, ठीक है भैया। अब एक बॉल है, बॉल को आप प्रेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो बॉल को आप प्रेस कर रहे हो, लेकिन बॉल की इलास्टिसिटी उसको क्या कर रही है बाहर की तरफ धकेल दिया, फोर्स ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ बॉल, और ये क्या भी है अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स है। तो ये प्रेस कर रहे हो वर्क डन अगेंस्ट अगेंस्ट इलास्टिसिटी ऑफ बॉल,
ऑलवेज इक्वल्स टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझिए एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन निकाल रहे। तो देखिए भैया, ये बॉडी है जो कि कहां पड़ी थी, जमीन पे। ग्रेविटी कहां लग रही थी, इसके ऊपर, नीचे। ठीक है, और आपने इसको अप्लाइड फोर्स लगाया, और एक बात, इसका वेट क्या, एम जी है, इसका मास एम जी है। तो आपके अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ध्यान रखना कि हमेशा वेट के बराबर ही होगी, उससे ज्यादा भी सकती है, लेकिन तब कैलकुलेशन आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए अप्लाइड फोर्स क्या होगा, हमेशा वेट के बराबर होगा। और आप उठा करके इसको कितनी हाइट तक ले गए, एच हाइट तक। क्या ले गए, एच हाइट तक, ए से लेके बी तक। तो वर्क डन बाय, वर्क डन अगेंस्ट अगेंस्ट दी ग्रेविटी, वेट को ही क्या कहते हैं हम भैया, ग्रेविटी कहते हैं, वेट को क्या कहते हैं, ग्रेविटी। कितना होगा भैया, अप्लाइड फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। अप्लाइड फोर्स क्या है भैया, एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितना क्या भैया आपने, एच। और कॉस जीरो होगा, क्योंकि आपको बता दूं मैं क्यों, क्योंकि आपका जो एच है और जो आपका अप्लाइड फोर्स है, दोनों की डायरेक्शन क्या भैया, अप्लाइड फोर्स भी ऊपर, एच भी क्या ऊपर है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। एम जी एच आ गया आपका, और वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। एट एच इक्वल्स टू में, एच इक्वल्स टू में जीरो, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू में जीरो। एक बात और ध्यान में रखना कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन दी ऑब्जर्विंग पॉइंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन अपॉन ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर लोकेशन। ये देखिए, ये चार बंदे हैं, चार बंदे अलग अलग फ्लोर पर खड़े। पहला बंदा ये खड़ा हुआ है, दूसरा बंदा ये खड़ा हुआ है, तीसरा बंदा ये खड़ा हुआ है, और ये है सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस है। ठीक है, क्या हो जा रहे हो, क्या जिसको जाना जल्दी हो। तो एक पहला बंदा नंबर फर्स्ट, बंदा नंबर सेकंड, और बंदा नंबर थर्ड, ये भी है ना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट वाले की ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी सेकंड वाले की कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी थर्ड वाले की सबसे कम होगी। ठीक है, बढ़ रहे। फिर आता है भैया कंजर्वेटिव फोर्स, वेटिव फोर्स। द फोर्स इफ वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन नेचर नेचर ऑफ पाथ, बट डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ बॉडी, देन अप्लाइड फोर्स, देन फोर्स इज सेड टू बी, देन फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फोर्स। कह रहा है यदि आपके द्वारा, यदि वर्क जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो केवल इस पे डिपेंड कर रहा है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए दो पॉइंट है आपके ए और ये पॉइंट क्या है बी, तो यहां से आप यहां पे गए, यहां से आप यहां पे गए, यहां से यहां पे गए,
ये ए से बी जाने पर कोई सा भी रास्ता चुने, यहाँ पर डब्ल्यू वन वर्क हुआ, डब्ल्यू टू वर्क हुआ, यहाँ पर डब्ल्यू थ्री वर्क हुआ, इफ डब्ल्यू वन बराबर में डब्ल्यू टू बराबर में डब्ल्यू थ्री, देन देन फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। यानी जब तीनों दो इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में हम गए तीन अलग अलग रास्तों से और तीनों वर्क क्या है आपके बराबर आए, तो उस फोर्स को, जिस फोर्स का इस्तेमाल किया गया है इस वर्क मेन वर्क में, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, कंजर्वेटिव कहते हैं। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्स के, तो ध्यान दीजिए कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है भैया आपका, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होता है भैया, कंजर्वेटिव मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फोर्स भी क्या है भैया आपका, कंजर्वेटिव है। और आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या है भैया, कंजर्वेटिव है। चौथा इलास्टिक फोर्स भी क्या है, फोर्स भी क्या है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि एक तरह से कि मैंने बता दिया वैसे, खैर ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि कंजर्वेटिव वो सारे फोर्स होते हैं जो एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पे लगते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स भी एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पे लगता है, मैग्नेटिक फोर्स भी एक चार्ज के एक पोल के सेंटर से दूसरे पोल के सेंटर की तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी एक चार्ज के सेंटर से दूसरे चार्ज के सेंटर की तरफ लगता है। मतलब जो केवल सेंटर पे डिपेंड करे, स्ट्रेट लाइन पे डिपेंड करे, ठीक है, वो सारे फोर्स को हम क्या कहते हैं भैया, कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब आते भैया प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, और बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, कंजर्वेट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉट डिपेंड, सॉरी, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड्स डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ पाथ, नेचर ऑफ पाथ। अब देखिए भैया इसके एग्जाम्पल मैंने पहले भी आपको दे रखे हैं, तो प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, हम जिस फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ग्रेविटेशन फोर्स है। कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर, इन नेचर ये शो करना भैया कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है भैया, कंजर्वेटिव नेचर का। चलो देखते हैं भैया, तो मैंने पहले रास्ता लिया ऐसा स्ट्रेट एकदम, आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक बॉडी को ले गए हो, ठीक है, बॉडी का मास क्या है, एम है, जिसका वेट क्या होगा, एम जी होगा, आपके द्वारा अप्लाइड फोर्स भी क्या होगा, एम जी के बराबर ही होगा, आप ए से बी तक एच हाइट तक ले गए, ठीक है, वर्डन ए टू बी कर रहे हो आप, ए से बी तक कर रहे हो, ठीक है भैया, तो आपका अप्लाइड फोर्स क्या है, ठीक है, आप देखिए वर्डन ए बी ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्डन बाय वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ए टू बी, ए टू बी, भैया ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, ऊपर, तो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा कॉस 180 डिग्री, है ना, तो माइनस एम जी एच आ गया आपका ए से बी तक का वर्क, ठीक है। चलो देखिए दूसरे केस में इसी वही है, टॉपिक वही है, लेकिन केस दूसरा ले रहे हैं हम, रास्ता बदल गया, ठीक है, ये थीटा एंगल है, आप एच हाइट पर ले आ रहे हो एक बॉडी को ए से लेके बी तक, ठीक है, ये सरफेस है, जमीन की सरफेस, सरफेस ऑफ अर्थ, आप इस बॉडी को ऊपर की तरफ ले आ रहे हो, आपको पता है ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन है, और ये क्या है, वेट है, आपको पता है जितना थीटा यहाँ बना उतना थीटा यहाँ बनेगा, एम जी कॉस थीटा, और जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है इसको जो नीचे खींच रहा है वो क्या, एम जी साइन थीटा, आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हो, ठीक है, वर्क डन, अब ये ग्रेविटेशन फोर्स नहीं माना जाएगा, अब ये और ये माने जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब हम ए से बी तक ले आएंगे तो केवल इस ग्रेविटेशन फोर्स को कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये इसके ही अगेंस्ट में ऊपर से ले आ रहे हैं, इस फोर्स को लगा करके इसके अगेंस्ट में ऊपर ले आ रहे हैं, ठीक है, तो वर्क डन
अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा? ए टू बी, क्या हो गया? ए से बी का वर्क क्या आएगा? हाइट तो सेम है ना आपकी जमीन से, दोनों केस में, पहले केस में भी जमीन से हाइट एच पे लिया गए थे, इस केस में भी एच पे लिया आ रहा है जमीन से, तो अप्लाइड फोर्स क्या आपका एम जी, जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स क्या नीचे लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहे हैं भैया हम ए बी, और दोनों के बीच में एंगल कितना है कॉस 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है एम जी साइन थीटा कहाँ लग रहा है नीचे, और अप्लाइड फोर्स क्या है भैया डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है ऊपर ए से बी तक, तो यह आएगा आपका एम जी माइनस एम जी, साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर कोण में हाइपोटेनियस ए बी, तो माइनस एम जी परपेंडिकुलर क्या है एच, हाइपोटेनियस क्या है आपका ए बी, ए बी ए बी से ए बी क्या कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर भी क्या गया माइनस एम जी एच आ गया, ठीक है आ रहे हैं आगे आ रहे हैं, ठीक है थर्ड केस में हमने क्या किया रास्ता ऐसा चुना, ये कुल हाइट कितनी है, कुल हाइट पे जमीन से हमें एच हाइट पर ले आना है, कुल विड्थ कितनी है बी, अगर एक स्टेप की बात करूँ तो एक स्टेप की हाइट कितनी है एच डैश, और एक स्टेप की विड्थ कितनी है बी डैश, ठीक है आप एक बॉडी को ले आ रहे हैं जिसका मास क्या है एम जी, तो वेट क्या हो गया मास एम है तो वेट क्या हो गया एम जी, आप अप्लाइड फोर्स ऊपर लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो ऊपर, ठीक है तो एक स्टेप पे चलने के लिए आपको पहले ए से बी पे जाना पड़ेगा, फिर बी से सी पे जाना पड़ेगा, तब आपका एक स्टेप कंप्लीट होगा, तो नंबर ऑफ स्टेप कितने यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टेप्स जो है इस पूरे यहाँ से एक दो तीन चार ऐसी आप देखो, तो नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है आपके एन है, मान लीजिए एन है, तो अगर मैं एन इंटू में एच डैश करूँ, एच डैश करूंगा यानी एक स्टेप की हाइट, एक स्टेप की हाइट और इंटू में नंबर ऑफ स्टेप कर दूंगा, तो आपको पता है टोटल हाइट आ जाएगी, और नंबर ऑफ स्टेप इंटू में एक स्टेप की चौड़ाई कर दूंगा तो टोटल विड्थ आ जाएगी, ठीक है वर्क डन डन ऑन अ सिंगल स्टेप, ऑन अ सिंगल स्टेप निकाल रहा हूँ, एक स्टेप पे कितना वर्क डन होगी सिंगल स्टेप, तो आपको पता भैया पहले आप ए से बी पे गए, पहले आप ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट पर गए, फिर बी से कहाँ पे गए सी पे, तो आपको स्टेप पे वर्क करने के लिए पहले ए से बी पे आना पड़ेगा, फिर बी से सी पे जाना पड़ेगा, ठीक है भैया अब देखिए, तो ए से बी में देखिए तो अप्लाइड फोर्स क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लग रहा है नीचे, ठीक है क्योंकि तो आप ग्रेविटी के केस में वर्क कर रहे हैं, वर्क डन ऑन अ सिंगल स्टेप अगेंस्ट दी ग्रेविटी, अगेंस्ट दी ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटी जी एफ मतलब ग्रेविटेशन फोर्स या ग्रेविटी, एम जी नीचे लग रहा है एच डैश क्या है ऊपर है, तो आप देख रहे हो कॉस क्या होगा कॉस 180 डिग्री, ठीक है और फिर बी से सी पे गया, तो बी से सी में देखो तो ग्रेविटेशन अब वेट फिर भी नीचे लगेगा आपका, जब बी से सी पे जाओगे तो वेट फिर भी नीचे लगेगा, ठीक है डिस्प्लेसमेंट कैसे कर रहे हो एक्स के अलावा, तो एम जी आपका ग्रेविटेशन फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना किया बी डैश, और आपको पता है कॉस 90 डिग्री होगा, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट आप ऐसे कर रहे हो और वेट कहाँ लग रहा है नीचे लग रहा है, ठीक है तो ये 90 हो जाएगा, ये पूरी टर्म क्या होगी जीरो होगी, तो आपका एक स्टेप का वर्क क्या आ गया एम जी एच डैश माइनस माइनस एम जी एच डैश, ठीक है भैया एक स्टेप का वर्क आ गया, तो देन वर्क डन इन एन स्टेप, एन स्टेप यानी पूरी हाइट पे चढ़ने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, तो एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक स्टेप का कुल वर्क डन यहाँ रखा है, एन स्टेप का क्या हुआ, तो आपका वर्क डन आएगा W3 कर दीजिए, ये क्या हुआ एन इंटू में एक स्टेप का वर्क डन क्या रखा है माइनस एम जी एच डैश, तो ये हो जाएगा आपको सॉल्व करोगे तो क्या हुआ एम जी एन और एच डैश मिलकर के क्या हो जाएंगे, एन और एच डैश मिलकर क्या हो जाएंगे एच हो जाएंगे माइनस एम जी, तो हम देख रहे हैं भैया हर केस में आपका वर्क क्या रहा है, सो W1 बराबर में पहले केस का वर्क, दूसरे केस का वर्क, तीसरे केस का वर्क, सबका क्या आ रहा है एम जी एच डैश, तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी, तो एनर्जी स्टोर इन ऑल केस, सभी केस में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो वो एम जी एच होगी, एनर्जी पॉजिटिव होती है सब, ठीक है तो हम देख रहे हैं रास्ता हमने अलग अलग चुना लेकिन हाइट जमीन से सेम ली, तो वर्क क्या आ रहा है सबके केस में सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कंजर्वेटिव इन नेचर है, ठीक है फिर प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड सेकेंड,
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन अ राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप मतलब जहां से गए वहीं पे वापसी आ जाओ। राउंड ट्रिप, राउंड ट्रिप कैसी भी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन में आगे जाओ फिर पीछे आ जाओ तो भी राउंड ट्रिप कहलाएगी। बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल्स टू जीरो। कंजर्वेटिव फोर्स के थ्रू राउंड ट्रिप में वर्क डन क्या आता है, जीरो आता है। चलो देखते हैं, प्रूफ करते हैं। तो भी आपको पता है कि आपका वेट जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। आपने ए से इस बॉडी को फेंका, होता ये कहाँ गया, बी तक गया, उसके बाद फिर बी से कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। तो ए से बी से सी पे आ गया। तो ए से बी तक की हाइट कितनी थी, एच थी। तो बी से सी की हाइट की भी क्या होगी, एच ही होगी, क्योंकि सेम लेवल है, ए और सी का लेवल क्या है, सेम है। तो पहले हम देख रहे हैं वर्क डन, ए टू बी गई बॉडी, बॉडी कहाँ से कहाँ गई, ए से बी पे गई, फिर बी से कहाँ पे आई, सी पे। तो हम ए से बी का वर्क देखेंगे, फिर बी से सी का वर्क देखेंगे। ए से बी में देखिए तो बॉडी ऊपर जा रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, लेकिन फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, एम जी कहाँ लग रहा है, नीचे। तो भैया वर्क क्या होगा, माइनस एम जी एच होगा, है ना, जब दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन सेकंड केस में बी से सी में देखिए तो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है, बी से सी में, और फोर्स भी कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो क्या होगा, प्लस एम जी। तो नेट वर्क डन क्या आ जाएगा अभी आपका, सी, समझ गए। तो राउंड ट्रिप में आपका वर्क डन क्या आता है, जीरो होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको देखना, बहुत खासम खास प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर फोर, कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी नंबर, छह। हाँ हेलो भैया, हाँ ये थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आसान ही है, ठीक है। कहता है कि भैया नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ इज ऑलवेज इक्वल्स टू, इज ऑलवेज इक्वल्स टू, इक्वल टू कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब यह हुआ कि, मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप 1 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हो तो जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर आएगी। 1 मीटर का डिस्टेंस में कोई बॉडी 1 मीटर नीचे गिर जाए और उसने जो भी उसकी एनर्जी में जो बदलाव आया है वो बदलाव हमेशा क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स के क्या होगा, बराबर होगा। देखिए भैया मान लीजिए मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये कह रहा है एफ इक्वल्स टू में नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ। ये प्रॉपर्टी कहती है क्या, कंजर्वेटिव फोर्स है, क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कह रहा है भैया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ होती है उसका नेगेटिव क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। प्रूफ करता है, चलो देखिए भैया मान लीजिए बॉडी यहाँ पे थी, ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर क्या थी, यू थी, ये गिर के यहाँ पर आई, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, डेल्टा एक्स किया, कितना किया, डेल्टा एक्स। अब बॉडी ये जो फोर्स लगा रही है, अच्छा एक बात ध्यान में रखना, अगर किसी बॉडी का वेट है तो वो वेट इसीलिए होता है क्योंकि उसके पास एनर्जी होती है, क्योंकि वेट एक फोर्स है और फोर्स वही बॉडी लगा सकती है जिसके पास एनर्जी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही आपका क्या आता है, वेट आता है। सेंटर ऑफ अर्थ पे जाओ वहां पर किसी प्रकार की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी नहीं रहेगी तो बॉडी का वेट भी नहीं होता, तो सेंटर ऑफ अर्थ पे आपकी वेट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ड्यू टू वेटलेसनेस या ड्यू टू जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखना पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ही वेट आता है, ठीक है, यानी ये जो फोर्स लगा है वो इस पोटेंशियल एनर्जी, ये वेट जो आया है वो इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से आया। जब बॉडी नीचे गिरी, बॉडी ने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल किया नीचे गिरने में, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ कम होगी, ये क्या होगी, यू माइनस डेल्टा यू होगी, ठीक है भैया। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं, तो ध्यान वर्क क्या होता है, तो भैया ए से बी तक का वर्क क्या होगा, ए से बी तक का वर्क, ए से बी तक का, ए टू बी वर्क क्या होगा, फोर्स कितना है भैया, एम जी, जो कि कंजर्वेटिव होता है आप सबको पहले पता लग गया, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने, डेल्टा एक्स, एफ की एम जी की वैल्यू को एफ ले लीजिए, डेल्टा एक्स होगा। एंड आपको पता वर्क क्या होता है भैया, वो एनर्जी के डिफरेंस के बराबर भी होता है, क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस। तो इन दोनों एनर्जी में कितना डिफरेंस है, तो पहले यू थी बाद में यू माइनस डेल्टा यू होगी, तो एनर्जी का डिफरेंस क्या आ गया, माइनस डेल्टा यू। माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस का साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया पोटेंशियल एनर्जी नीचे आने पर क्या हो रही है, कम हो रही है,
नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल एनर्जी का, और ये नीचे आने पर डिक्रीज हो रही है, तभी वर्क हो रहा है ना, वर्क करेंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी। सो एफ डेल्टा एक्स बराबर में ये वर्क की वैल्यू यह रखी है और वर्क की वैल्यू यह रखी है, एक ही वर्क है ये भैया, ये ध्यान दीजिए। वर्क हुआ, फोर्स लगाया बॉडी ने, डिस्प्लेसमेंट इतना किया, और ये वर्क क्यों हुआ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, तो इसलिए दोनों बराबर होंगे, तो ये लिख देंगे एफ इक्वल्स टू में माइनस डेल्टा यू अपॉन में डेल्टा एक्स। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखना भैया कि ये बता रहा है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट लेंथ इसके बराबर है फोर्स के, जो कि कंजर्वेटिव नेचर का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। अब आते हैं भैया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी, आपको बता दो भैया टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो टोटल एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, इसी को ध्यान रखना। अकॉर्डिंग दिस लॉ, अकॉर्डिंग दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है भैया कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेंगे, क्या रहेंगी, कॉन्स्टेंट। एग्जाम्पल में देखिए, एक बॉडी गिर रही है, यहाँ पर मान लीजिए काइनेटिक के थी और पोटेंशियल क्या थी, पी वन थी, ये बॉडी यहाँ पर आ गई तो जाहिर सी बात है काइनेटिक क्या होगी, काइनेटिक के टू हो जाएगी, पोटेंशियल क्या होगी, पी टू हो जाएगी, क्या होगी, पी टू हो जाएगी। तो कह रहा है काइनेटिक के वन प्लस पोटेंशियल पी वन और काइनेटिक के टू और पोटेंशियल पी टू, ये टोटल एनर्जी वन आ गई, ये टोटल एनर्जी टू आ गई, यहाँ पर टी वन इक्वल्स टू में क्या होगा, टी टू आएगा, ये ध्यान रखें ऑलवेज, ये ध्यान रखना। एयर रोल, एयर एयर का रोल जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, किसी प्रकार का कोई रोल नहीं होगा एयर का। ठीक है भैया, तब हो सकता है प्रूफ, प्रूफ प्रूफ क्या कहता है, प्रूफ कहता है ये इसे प्रूफ करना नहीं, इन टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। देखिए कैसे, वी नो जो वर्क डन होता है, अगर कोई बॉडी नीचे गिर रही है, कोई बॉडी नीचे गिर रही है तो वर्क डन होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस। आपको पता नेगेटिव साइन क्या होगा, जब नीचे आ रही है तो भैया पोटेंशियल एनर्जी लगातार क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी लगातार क्या होती है, कम होती है, लेकिन काइनेटिक क्या होती है, लगातार बढ़ती है, क्योंकि बॉडी नीचे गिरेगी तो हाइट कम होगी, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन हाइट जैसे जैसे बॉडी नीचे आती है उसकी रफ्तार क्या होती है, बढ़ती आती है, काइनेटिक क्या होगी, बढ़ेगी आपकी। ठीक है, तो ये हुआ। एंड आपको पता है भैया वर्क डन क्या होता है, काइनेटिक के डिफरेंस के बराबर भी होता है, क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे बॉडी नीचे आएगी वैसे वैसे क्या होगी, उसकी पोटेंशियल कम होती जाएगी लेकिन काइनेटिक क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो जितनी पोटेंशियल कम होगी उतनी काइनेटिक क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यानी जो वर्क किया पोटेंशियल के घटने की वजह से, वही वर्क हुआ पोटेंशियल को बढ़ाने की, सॉरी जो वर्क हुआ पोटेंशियल के घटने के कारण, वही वर्क हुआ काइनेटिक को बढ़ाने के कारण में। ठीक है भैया, सो फ्रॉम फर्स्ट हैंड ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये क्या है भैया सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट हैंड सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगा भैया आपका, डेल्टा के बराबर में माइनस डेल्टा यू, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा के क्या होता है, फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक बराबर है माइनस यू, ये क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये सॉल्व करोगे तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल बराबर में के फाइनल माइनस प्लस यू फाइनल, यानी क्या हुआ टोटल इनिशियल एनर्जी बराबर में टोटल फाइनल एनर्जी, ये क्या भी है उसका लगे प्रूफ हो गया। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है, ये तो हो गया सारी प्रॉपर्टी, ठीक है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। एक टॉपिक होता है भैया शो दैट टोटल एनर्जी एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कंसर्व, ये शो करना है कि भैया एक फ्रीली फॉल गिरती फ्री फॉल करती बॉडी की कुल एनर्जी क्या होती है, कंजर्व रहती है, क्या होती है, कंजर्व रहती है। देखिए बड़ा आसान टॉपिक है, बड़ा आसान टॉपिक है। हेलो हेलो, यार क्लास ले रहा हूँ मैं।
ये, अरे रुक जाए, बढ़िया क्लास लेकर बस कॉल करता हूँ। हाँ क्या हुआ? अरे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, कल मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी यार, उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। चल ठीक है, फिर भी आप दिखा भी आ जाएंगे बीकॉम में। ठीक ठीक है, ये बॉडी है, ए पॉइंट पर थी और इसको मैंने ड्रॉप किया था। आपको पता ड्रॉप करते वक्त इसकी वेलोसिटी क्या होगी? ए पॉइंट पर जीरो होगी। ठीक है, इसकी जमीन से हाइट कितनी है? एच। ठीक, ये बी पॉइंट पर आ गई। कहाँ पर आ गई? गिरते हुए बी पॉइंट पर आ गई, गिरते हुए बी पॉइंट पर आ गई। तो आपको पता है बी पॉइंट पर इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी। खैर वो वेलोसिटी मुझे नहीं पता, लेकिन ए और बी के बीच की दूरी क्या है? एक्स है। तो जमीन से इसकी हाइट क्या होगी? एच माइनस एक्स होगी। और बाद में यही बॉडी गिरती हुई कहाँ पे आ गई? इस वाले पॉइंट पर, सरफेस पे आ गई। ठीक है, ये सी पॉइंट है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भी मुझे नहीं पता। चलो तो भैया आते हैं एट पॉइंट ए की बात करते हैं। एट पॉइंट ए की बात करो तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा? काइनेटिक एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। काइनेटिक एट पॉइंट ए क्या होगा? हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर। पोटेंशियल क्या होगा? एम जी। और एच क्या होता है? जमीन से, सरफेस से, ये सरफेस है, सरफेस से उस बॉडी की हाइट। तो अभी आपको पता है जब ए पॉइंट पर था तो सरफेस से हाइट कितनी थी इसकी? एच थी। क्या थी? सरफेस से हाइट कितनी थी इसकी? एच थी। तो यहाँ पर एच लिख दीजिए। तो हाफ मास वेलोसिटी एट पॉइंट ए का स्क्वायर एम जी एच। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या आ गया भैया? एम जी एच, एम जी एच हो गया। ठीक है, टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए आ गया आपका एम जी एच। देख ले, देख ले, देख ले, ये क्लास ले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं कहाँ गया? नहीं।